सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासेज ऑफ कंजक्शन. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासेज ऑफ कंजक्शन. दैट व्हाट द हाउ मेनी क्लासेज ऑफ द कंजक्शंस आर देयर. सो द फर्स्ट क्लास इज दैट इज वी सी द कंजक्शन आर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स दैट आर कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग. सो कोऑर्डिनेटिंग आर व्हाट इन द लास्ट क्लास आई आल्सो डिस्कस्ड द सबऑर्डिनेटिंग क्लास. इन दैट क्लास द कोऑर्डिनेटिंग वाज मिसिंग. टुडे वी विल combine all this. Okay, so what is coordinating class? That when two sentences are joined two sentences of the same rank are joined. Okay, two sentences of the same rank are joined, this is known as coordinating class. Okay, jaise yahan pe birds fly and fish स्विम. अब ये सेंटेंस है, बर्ड्स. अब ये क्या बता रहा है कि बर्ड्स उड़ते हैं पर फिश स्विम करती. दोनों अपने अपने पर्पज बता रहे हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाय द कंजक्शन एंड. सो व्हेन द इक्वल रैंक सेंटेंस आर जॉइंड, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. The sentence contains two independent statement or the statements of the equal rank or importance. Then these conjunction are known as coordinating. कि अगर कोई independent statement है, एक दूसरे पे dependent नहीं है. मैं इसको ऐसे भी बना सकता था fish swim, मैं इसको ऐसे भी बना सकता था birds fly. So they can be used in the both forms. And इसको end से जोड़ दिया. Okay, इसको end से जोड़ दिया. देन दिस काइंड ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. क्या बोल दिया इसको? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेट मतलब साथ दे रहा है, वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहा है. दैट इज नेम एज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. और यहाँ पे क्लोज भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं. हाँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा ही होगा कि क्लोज एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं. जैसे कि कुछ एंड वाले सेंटेंस बन ही नहीं सकते इनडिपेंडेंट. जैसे कि मैं लिखूं टू एंड टू मेक फोर. प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक सच काइंड ऑफ द सेंटेंस थ्रू द इंडिपेंडेंट क्लोजेस. अब मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूं कि टू मेक फोर, टू मेक टू, टू मेक टू. सेंस नहीं निकला उसका. ओके, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट सेंटेंस है, इक्वल रैंक यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं रख सकते. हालांकि इनको भी कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेज की कैटेगरी में ही रखा जाएगा, बट द रीजन इज दैट कि ये इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं ले सकते. ये इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं, जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं बना सकते. ओके, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी अंदर टू टाइप्स है, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज एंड से जोड़ी जा सकती है या बट से जोड़ी जा सकती है या किसी और वर्ड से जोड़ी जा सकती है. एट द सेम टाइम दैट इंडिपेंडेंट क्लोज हैव द इंडिपेंडेंट सेंटेंस. ओके, सो दिस इज द जनरल रूल ऑफ मेकिंग द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टुगेदर क्लासेज ऑफ द इक्वल रैंक, जब उनसे जोड़ी जा सकती है. ओके, नेक्स्ट कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते कितने तरीके के. फ्रेंड्स, ये एंड अभी पढ़ा हमने, एंड सेकेंड इज बट, दूसरा पढ़ा हमने बट. कौन सा पढ़ा? बट. थर्ड फोर और नोर ऑल्सो आइदर और नीदर नोर ऑल दीज विच प्रोवाइड द ऑप्शन. ओके, फोर आजकल जैसे मॉडर्न इंग्लिश में फोर कम यूज में है, बट फोर इज यूज एज ए प्रीपोजिशन, फोर इज यूज एज ए कंजक्शन टू. मेनी टाइम्स ओनली फोर इज यूज. सो डोंट गेट दिस काइंड ऑफ द डाउट इन माइंड दैट Four is wrongly used here. Yes, of course, four is the right use of the conjunction. Okay, like either or, neither nor, these are also optional category conjunction. Like coordinating conjunction are of four kinds. Coordinating conjunction, चार तरीके के होते हैं. चार तरीके के coordinating conjunctions are of four types. चार तरीके के. कौन कौन से? कम्युलेटिव और कोपुलेटिव, विच मेरली एड वन स्टेटमेंट टू अनदर. जैसे
कॉपुलेटिव मतलब कॉपुलेट का मतलब दो सेंटेंस को जो कपल में चेंज करते, मतलब सेंटेंस कपल है बट उस कंजक्शन के आने के कारण वो सेंटेंस एक में चेंज हो गया, मतलब टू इंडिपेंडेंट क्लोज है, दो अलग अलग सेंटेंस है जो कि अगर अलग अलग लिख दिए जाए तब भी उनका मीनिंग निकलता है, बट हम उनके साथ में ये कुछ वर्ड्स जोड़ दें, जैसे कि कौन कौन से हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, एंड बट फॉर और नॉर आल्सो इधर और नीदर नो, ये ध्यान रखना कि एंड है, ये हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि ये कॉन्ट्रडिक्ट्री है या फिर कोऑर्डिनेटिंग है या ऑप्शनल कैटेगरी है या एडवर्जरी कैटेगरी है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिंपली ये ध्यान रखना है कोऑर्डिनेटिंग जोड़ सेंटेंस जोड़ने में एंड काम में आ सकता है, बट काम में आ सकता है फॉर इधर और नीदर नोर और नोर आल्सो ऐसे सेंटेंस काम में आ सकते हैं, तो कम्युलेटिव या कोपुलेटिव जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ते हैं, विदाउट नोट ए लाइन कि हमने एक लाइन भी नहीं खींची, एंड वी रेज नोट ए स्टोन, यहाँ पे दिस इज नॉट, वी रेज नोट ए स्टोन कि हमने ना तो एक लाइन बनाई, विदाउट नोट ए लाइन वी रेज नोट ए स्टोन, हमने एक स्टोन भी, कहने का मतलब क्या है कि हमने कोई कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया, दैट इज नोन एज एडिंग वन स्टेटमेंट टू अनदर, एडवर्जेटिव विच एक्सप्रेस अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट, कि एडवर्जेटिव वो होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू सेंटेंस, ओके, तो एडवर्जेटिव या वो खिलाफ वाले वो सेंटेंस है जो एडवर्सरी है एक दूसरे के खिलाफ, पहला कोपुलेटिव, अब देखो ये पहले सेंटेंस को वी कार्व नोट ए लाइन, हमने एक लाइन भी नहीं खींची, वी रेज नोट ए स्टोन, हमने एक 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 बार भी उनको ये नहीं बोला कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ा एंड में, तो यहाँ पे इसको इस टाइप के सेंटेंस को बोल दिया कम्युलेटिव या कोपुलेटिव, दो कपल सेंटेंस को एक सेंटेंस में बदलना। दूसरा एडवर्जेटिव या मतलब खिलाफ में या कॉन्ट्रेडिक्टरी, अपोजिशन या कॉन्ट्रास्ट, तीनों एक ही मतलब होते हैं, जैसे ही स्लो, अब यहाँ पे सेंटेंस कैसा है दोस्तों, दिस काइंड ऑफ द सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस, कैसा सेंटेंस है नेगेटिव, बट ही इज श्योर, ये सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव, ये सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव, ही इज स्लो कि वह स्लो है बट ही इज पॉजिटिव, लेकिन वो कैसा है बट ही स्लो बट ही श्योर, वो कैसा है कि स्लो है बट ही श्योर, कि वो श्योर भी है, कि वो स्लो है बट श्योर भी है, आई वॉज एनॉयड कि मैं चिढ़ा हुआ था, स्टिल आई केप्ट क्वाइट, अब देखो ये कैसा है नेगेटिव, कैसा है ये नेगेटिव, और ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, आई वुड कम ओनली दैट आई एम एंगेज, मैं तभी और तभी आऊंगा केवल तब जब मैं एंगेज रहूंगा, ओनली दैट आई एम एंगेज कि मैं तभी आऊंगा, अब देखो यहाँ पे आई वुड कम पॉजिटिव सेंटेंस और यहाँ पे ओनली दैट आई एम एंगेज कि नेगेटिव सेंटेंस, तब नहीं आ पाऊंगा जब मैं कि मैं हर हालत में आऊंगा, ओनली आई एम एंगेज, लेकिन एंगेज हुआ देन आई कांट कम, देन आई कांट कम, ही वॉज ऑल राइट, वो पूरा सही था, पॉजिटिव सेंटेंस, ओनली ही वॉज फेटिग्ड, बस वो क्या था फेटिग, नेगेटिव सेंटेंस ओनली, तो बट और ओनली कैसा हुआ कॉन्ट्रेडिक्टरी सेंटेंस दोस्तों, बट और ओनली कैसे हुए कॉन्ट्रेडिक्टरी सेंटेंस, कैसे कॉन्ट्रेडिक्टरी, ठीक है, तो ये कैसे सेंटेंस हुए कॉन्ट्रेडिक्टरी सेंटेंस हुए, दो कैटेगरी पढ़ी आपने, ध्यान रखना वापस इसको रिवाइज कर लो, फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसको कॉपुलेटिव पहला पढ़ा, उसके अंदर कॉपुलेटिव में कौन सा है एंड पढ़ा हमने कि वी रेज नोटिस, वी कार्व नोट ए लाइन एंड वी रेज नोट ए स्टोन, ओके, सेकंड एडवर्जेटिव और ऑपोजिटिव कॉन्ट्रास्ट एंड दैट इज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट, दैट इज कि ही इज स्लो बट ही इज श्योर, कि वो स्लो था बट श्योर था, स्लो नेगेटिव श्योर पॉजिटिव,
I was annoyed. Still I kept. So here still is the conjunction जो negative और positive sentence को जोड़ रहा. I was annoyed. I still kept quiet. लेकिन फिर भी चुप रहा. I would come only that I am engaged. मैं आऊंगा केवल और केवल मैं जब engaged नहीं रहा. He was all right. वह अच्छा था. He was all right. Only he was fatigued. वो केवल fatigued था. केवल fatigued था. वो केवल थका हुआ था. He was all right. Only he was fatigued. कि वो fatigued था. थका हुआ था. Okay. Disjunctive or alternative. Disjunctive or alternative which express a choice between two alternative. She must weep. अभी दो पढ़े हमने. Adverbative, copulative. Third is disjunctive or alternative which express a choice between two alternatives. कि disjunctive या alternative. या तो option provide करे या दोनों को disconnect करे. सेंटेंस मतलब पहला कुछ और कहना चाहे दूसरा कुछ और कहना चाहे या कोई और ऑप्शन दे. दैट आर नोन एज अल्टरनेटिव. अभी तक क्या हो रहा था कि आइदर कॉन्ट्रास्टिंग नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस. आइदर दोनों एक जैसे. पहला एंड वाला सेंटेंस दोनों एक जैसे. दूसरा दोनों एक दूसरे के खिलाफ. और तीसरा कि दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं. ऑप्शन है बिल्कुल एक दूसरे के अब डिस्कनेक्ट करते हुए चलते हैं. कि सी मस्ट बी. या तो वो रोएगी और सी विल डाई या वो मर जाएगी. दोनों का कहीं कनेक्शन ही नहीं. ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है और ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है और जैसे कॉन्ट्रास्ट. और इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉन्ट्रास्ट में भी तो सर अपोजिट चल रही है चीजें. वहां अपोजिट है बट वहां पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस है. जिसको बट जोड़ता है जिसको स्टिल जोड़ता है जिसको ओनली जोड़ता है. ठीक है. जैसे कि आपने पिछले पेज में वापस जाओ तो यहाँ देखोगे कि स्टिल बट ओनली. ओके. ये कि आई वाज एनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट. नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस. लेकिन यहाँ क्या है. यहाँ बिल्कुल बात ही ऐसे लग रहा है दोनों सेंटेंस का कोई कनेक्शन ही नहीं है. किसी मस्ट बी सी विल डाई. ऑप्शन है यहाँ. Either he is mad, या तो पागल और she will die. अब देखो पागलपन और मरने का क्या मतलब है. लेकिन कि पागलपन ऐसा है कि वो मर सकता है तो ऑप्शन है उसको वो कनेक्ट करता है. और नेक्स्ट neither a borrower nor a lender be. कि neither a borrower ना तो borrower बनो उधार लेने वाला. neither a borrower nor a lender be. ना ही lender बन. ठीक है. बोरोवर भी नहीं बनो और नोरे लेंडर ना देओ ना लेओ. तो नोर ने यहाँ पे जिया जबकि दोनों चीजें अलग अलग है. दे टॉयल नॉट. जो टॉयल का मतलब होता है फ्रेंड. टॉयल मीन्स हार्ड वर्क. टॉयल मीन्स हार्ड वर्क. दे टॉयल वर्क दे टॉयल नॉट. कि जो जो मेहनत नहीं करता जो जो मेहनत नहीं करता वो नाइदर डू दे स्पिन. अब नीदर वर्ड किस लिए आया यहाँ पे. तो दिमाग में ये है सब लोगों के कि नीदर जब आता है जब ये सेंटेंस आपको ग्रामेटिकल एरर में आएगा देन फ्रेंड्स यू विल कमिट वन सिली मिस्टेक. कि नीदर है तो नोर नहीं आया. बिकॉज एक वो जनरल इंग्लिश है जहां पे आप रटते आए हो कि नीदर के साथ तो नोर आना चाहिए इधर के साथ तो और आना चाहिए. बट इट्स नॉट ट्रू ऑलवेज. नोर अकेला आ सकता है और अकेला आ सकता है. नीदर अकेला आ सकता है इधर भी अकेला आ सकता है. यहाँ आया भी है कि यहाँ पे इसने क्या बोला दे टॉयल नॉट. जो मेहनत नहीं करते हार्ड वर्क नहीं करते नीदर डू दे स्पिन. वो कुछ कर नहीं रहे दोनों. नीदर डू दे स्पिन ना तो वो वर्क कर रहे हैं ना वो हार्ड वर्क कर रहे हैं. ठीक है. मतलब कई बार कहते हैं ना तो वो पढ़ाई के लिए कुछ कर रहा है ना अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है. ठीक. He's not doing the job. He's not doing the sincerely working as a student too. तो वो वैसा सेंटेंस है. मतलब दोनों कामों का कोई लेना देना नहीं. अलग अलग है. एक वर्किंग प्रोफेशनल है एक आपका स्टूडेंट का जॉब है. बट स्टूडेंट का हार्ड वर्क है. बट दे कैन बी कनेक्टेड बाई नीदर.
देन दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस आर नॉट नोन एज डिसजंक्टिव, मतलब रियल में कोई कनेक्शन नहीं है बट एक वर्ड जोड़ के दोनों दोनों चीजों को कनेक्ट कर दिया गया। वॉक क्विकली, हमेशा ये जो सेंटेंस होते हैं डिसजंक्टिव, ये ऑप्शनल कैटेगरी वाले ऑप्शन प्रोवाइड करवाते हैं। अब देखो यहाँ पे सी मस्ट बी, या तो उसको रोना पड़ेगा और सी विल डाई, ऑप्शन प्रोवाइड करवाए ना कि दोनों में से एक चुन लो। कई बार आपको घर वाले बोलते हैं रीड बेटा रीड और यू विल फेल, मतलब क्या है ऑप्शन कैटेगरी, दोनों का कोई संबंध अपने आप में उस जगह से है नहीं। फेल होना वो रिजल्ट है, वर्क हार्ड करना वो अपनी जगह है, बट दे आर डिसजंक्टिव, कैन बी कनेक्टेड बाय द और, कैन बी कनेक्टेड बाय द सेंटेंस, कैन बी कनेक्टेड बाय द वर्ड और। वॉक क्विकली यू विल नॉट ओवरटेक हिम, या तो तेज चलो यू विल नॉट ओवरटेक हिम, तो यहाँ पे एल्स क्या है डिसजंक्टिव कनेक्शन कंजक्शन। सो द वर्ड एल्स और नॉर इधर और ये सारे क्या है ऑप्शनल कैटेगरी कंजक्शन, ये सारे क्या है ऑप्शनल कैटेगरी कंजक्शन, दीज आर काइंड ऑफ द ऑप्शनल कैटेगरी कंजक्शन। ओके गॉट इट। एक चौथा कंजक्शन है इलेटिव, इलेटिव का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं उसको अनुमान, क्या बोलते हैं दोस्तों अनुमान, किसी किसी को गेस करना, गेस इट्स गेस, ओके इट्स नोन एज गेस, कि पता नहीं है क्या बट एक गेस है, जैसे समथिंग सेंटेंस समथिंग सर्टेनली फेलिंग, कि कुछ तो गिरा है। फोर आई हर्ड ए स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब है छन 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 की आवाज, ठीक है मंजुलिका वाली, तो वो कि कुछ तो गिरा है कि कुछ तो हुआ होगा ऐसा है, तो यहाँ पे क्या है ये कंजक्शन कौन सा आया फोर। हम कई बार इसको लगा के ही नहीं आते या फिर हमें लगता है कि ये तो अनसुटेबल है, लेकिन फोर इज यूज्ड फॉर गेस, फोर इज यूज्ड एज ए रीजन कि आई वर्क हार्ड, फोर आई गेट व्हाट आई ड्रीम। यस कैसा सेंटेंस हो गया गेस वाला सेंटेंस, कि मैं इसलिए वर्क हार्ड कर रहा हूं, इवन आफ्टर वर्किंग आउट इट्स नॉट श्योर दैट यू विल गेट व्हाट यू वांट टू अचीव, बट थिंग इज दैट यू नो दैट वर्क हार्ड इज हैव नो सब्स्टिट्यूट अदर देन दिस देयर इज नो ऑप्शन। सो किस लिए वर्क हार्ड कर रहे हो, फॉर गेटिंग द ड्रीम डन, जो आपका ड्रीम है उसको अचीव करने। ओके सो ऑल प्रिक्यूशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड, सारी प्रिक्यूशंस है नेग्लेक्टेड कर दी जानी चाहिए, फॉर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली, जो जितने भी प्रिक्यूशन है। अब वो कह क्या रहा है कि शायद प्रिक्वेशन नेग्लेक्ट की गई होगी तभी प्लेग फैला है, बात ये है इसलिए ये फोर आया। ओके पहली बात है नेगेटिव, दूसरी बात है उस कंसर्न का रिजल्ट, तो ये रीजन है पहला वाला कि इस कारण फैली होगी। ओके व्हेन वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ द कंजक्शन वी विल गेट बेटर टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ द एरर्स दीज आर, व्हाट काइंड ऑफ द एरर, कि वहां पे आप बहुत आसानी से कर पाओगे, मेंस के क्वेश्चन है प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप कर पाओगे कि कोई हार्ड टास्क नहीं है। ओके सो एनी ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि एक्सेप्शन उसमें से कुछ और की या नोर या कई बार इनको ओमिट कर दिया जाता है कोमा के थ्रू सेमी कोलन के थ्रू या कोलन के थ्रू, ठीक है कई बार कुछ कंजक्शन है जैसे और नोर के इनके जो ओमिट किए जा सकते हैं उनकी जगह क्या लगाया जा सकता है कोमा सेमी कोलन, जैसे रामा वेंट आउट टू प्ले और हरी स्टेड इन टू वर्क। अब इस चीज को रामा वेंट फॉर प्ले एंड हरी स्टेड फॉर वर्क भी एंड से लगाया जा सकता था बट उस राइट ओदर कई बार आपको जो एग्जामिनर है वो इसको सेमी कोलन से भी दे सकता है, तो गलत मत समझ लेना कि सेमी कोलन आ गया तो क्या हुआ, अभी तो एंड या और लगा सकते हैं, नहीं लगाना ओनली सेमी कोलन। पैरा जंबल में आप देखोगे कि ओनली सेमी कोलन इज मोर देन सफिशियंट मोर देन इनफ, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा व्हेन सेमी कोलन इज देयर और कोलन इज देयर और ए कोमा सेपरेटेड बाय कोमा। ओके अब देखो नीचे इन सेंटेंस को पढ़ो कि आई रीड द पेपर, मैं पेपर पढ़ता हूं
बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। यहाँ पे देखो दो चीजें पता चलती है। पहली चीज ध्यान रखने वाली कि एक तो ये रीजन रिजल्ट कैटेगरी का, कौन सा कैटेगरी का, रीजन रिजल्ट। रीजन क्या है, आई रीड द पेपर। रिजल्ट क्या है, इट इंटरेस्ट मी। यही रीजन ये है, इट इंटरेस्ट मी। रीजन क्या है, दूसरे वाला। जरूरी नहीं है कि हमेशा रीजन पहले आएगा, रीजन बाद में भी आ सकता है, कि पहले रीजन भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है। इट इंटरेस्ट मी, व्हाट इंटरेस्ट मी, न्यूज़पेपर। ये रीजन और ये रिजल्ट। दूसरी चीज जो रीजन है, वो जो रीजन है दैट विल टेक इटसेल्फ बैक टू द मेन सेंटेंस। इट इंटरेस्ट मी, इट क्या है, प्रोनाउन। अब क्या इंटरेस्ट करता है, उसका पूरा आंसर भी तो मिलना चाहिए ना, तो वो पूरा आंसर क्या है, आई रीड द पेपर। पेपर रीड करना इंटरेस्ट। तो जब बिकॉज से, देयरफॉर से, सिंस से, सो से, वाई से, दैट्स वाई से, इनसे जब सेंटेंस जुड़ा हुआ होगा फ्रेंड्स, देन द सेकंड सेंटेंस विल टेक अस बैक टू द फर्स्ट सेंटेंस, or the first sentence will reflect on the second sentence, and these kind of the sentence are known as subordinating sentences or subordinating clause. अभी तक coordinating पढ़ रहे थे, मतलब दो equal rank के sentence को जोड़ रहे थे, कि she will die or she will weep, birds fly and swim fish swim. क्यों पढ़ रहे थे, because वो coordinating conjunction थे, इसलिए दोनों equal rank के थे। अब यहाँ पे इक्वल रैंक के नहीं है, यहाँ पे अगर दूसरे सेंटेंस को हटा लिया जाए तो पहला ही रह जाता है, और अगर पहले को हटा लिया जाए तो दूसरे का सेंस ही नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे पढ़ो, आई रीड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। अगर मैं इसको पूरा ही हटा लूं और इट इंटरेस्ट मी, अब इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकला। व्हाई, बिकॉज इट्स ए इनकम्प्लीट क्लोज। हाँ, इसके पास सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, सेंटेंस भी राइट है, नो ग्रामेटिकल एरर, बट इतना पता चल रहा है कि इसके पहले भी कोई बात कही हुई होगी, इसलिए ये कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट में यही फर्क होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज में पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे बहुत ज्यादा तरीके से डिपेंडेंट होता है, बहुत ढंग से डिपेंडेंट होता है। ओके, जैसे आई रीड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी, वापस बुलाओ इसको, इट इंटरेस्ट मी व्हाट, व्हाट इंटरेस्ट मी, न्यूज़पेपर इंटरेस्ट। ऐसा कोई भी सेंटेंस होगा, आई डिंट केम यस्टरडे बिकॉज आई वाज इल। अब इल था बिकॉज आई वाज इल, कहां पे, क्यों इल था, इसलिए नहीं आया, आई डिड नॉट मीट, इसलिए नहीं मिला। ओके, रीजन ही वाज इल, रिजल्ट ही डिड नॉट मीट। ओके, रीजन था इल था। टू सेंटेंस कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स, नीचे पढ़ो इसको, टू सेंटेंस कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स और क्लोजेज, वन ऑफ विच बिकॉज इट इंटरेस्ट मी इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, जो ऊपर बात समझाई आपको, हेंस द कंजक्शन इंट्रोड्यूसिंग द डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लोज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या मतलब हुआ सबऑर्डिनेट कंजक्शन का, कि इफ सेकेंड क्लोज इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट क्लोज और द फर्स्ट क्लोज कांट कम विदाउट सेकेंड क्लोज, देन मतलब सेकंड सेंटेंस क्लोज का मतलब, ऐसे कंफ्यूज मत हो, क्लोज का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक वर्ब ऑब्जेक्ट हो और वो सेंटेंस होने का मीनिंग रखता हो, दैट इज नोन एज क्लोज। अपना इंडिपेंडेंटली सब कुछ हो, जैसे राम इज डूइंग वर्क, अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। डिपेंडेंट क्लोज क्या है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू गो देयर, बट गो देयर कहाँ पे, वहां पे, अब वो कोई जगह तो होगी, टू Go at FC is very interesting. अब यहाँ पे FC हमने जगह बता दी, इसलिए ये dependent clause है। तो subordinating conjunction join करता है किसी और clause को किसी और clause से, what it is dependent on full meaning. Okay, that is dependent on full meaning. The आगे समझते हैं ये है क्या, कि chief subordinating clause
कंजक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, चीफ सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कंजक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, या आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, फिर भी मैं एक क्विक रिवीजन ले देता हूं कि आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर और व्हाई, के सारे क्या है, चीफ सबऑर्डिनेट। मतलब अगर ऐसा आ गया कि आफ्टर वर्ड आ गया या बिकॉज आ गया या इफ आ गया या दैट आ गया, दो या ऑल्दो आ गया, देखो इनके पहले तो मतलब भी जान लो, ठीक है। व्हाइल मतलब होता है जबकि, जब टाइम के लिए आए, और दूसरा मतलब होता है हालांकि, ठीक है। ये ऐसा को कंजक्शन है जो टुगेदरनेस के लिए आता है, किसके लिए, टुगेदरनेस। पहला टुगेदरनेस के लिए, दूसरा टुगेदरनेस के लिए, दूसरा कॉन्ट्रेस्टिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंजक्शन है जो दोनों में ही यूज होता है, इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एज वेल एज इन, जब साथ में आए कोई चीज, जब खिलाफ में, जैसे शी वॉज प्लेइंग व्हाइल आई वॉज स्लीपिंग वह खेल रही थी जबकि मैं सो रहा था। अब देखो भले ही काम अलग अलग हो, नो प्रॉब्लम, बट बोथ आर सिमिलर थिंग्स, ओके, बोथ आर, द एक्शन इज डन एट राइट एट द सेम टाइम। कॉन्ट्रेस्टिंग मे बी दैट शी लव्स टू प्ले हारमोनियम व्हाइल आई एम इंटरेस्टेड एट कैसीनो। तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है बट मीनिंग व्हाइल से कनेक्ट करता है, ओके। After the shower was over, the sun shone out again. यहाँ पे after word क्या है? Conjunction. After word क्या है? Conjunction. और कैसा conjunction है? After word कैसा conjunction है? यहाँ पे subordinate conjunction. क्योंकि the shower was over. Shower was over, पहला सेंटेंस, और सेकंड सन सोन आउट अगेन, तो सन बाद में वापस आया। तो ये दोनों अलग अलग बातें हो रही है लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि पहले काम हुआ दूसरा उसके बाद में, तो आफ्टर वर्ड सबऑर्डिनेट। ए बुक इज बुक, ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, ऑल्दो और इवन इफ, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है, although और even if, दोनों का मतलब friends, दोनों का मतलब सेम होता है, ओके। जैसे कि a book is a book although there is nothing in it, इसमें कुछ नहीं होता but book book ही होती है। as he was not there I spoke to his brother, वो नहीं था तो यहाँ पे word है as, as भी है ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं he was not there I spoke to brother, to his brother लगाऊं और is नहीं लगाऊं, then this kind of the sentence is wrong, then this kind of sentence is wrong, this kind of the sentence will be wrong, okay। तो ये ध्यान रखना। he ran away because he was afraid, अब यहाँ पे देखो because reason result वाला, reason क्या है, because he was afraid, और result में क्या बदला, he ran away, he ran away, वो भाग गया, क्यों भागा, because he was afraid, okay। तो conjunction कौन हुआ, because। answer the first question, before, तो यहाँ पे before you proceed further, दूसरा जाने से पहले, तो ये देखो you proceed further, ये इतना ही पढ़ने पे ये पता चलता है कि something is missing, first clause miss है, उसमें पहली वाली clause आनी चाहिए, so this kind of the clause must be there। take it air, ये वर्ड ई आर ई है, इसका मतलब भी होता है बिफोर इन टाइम, ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं लेकिन फिर ध्यान रखना।
ठीक, इसका मतलब होता है बिफोर इन टाइम, ये कंजक्शन होता है, बैंक के अच्छे एग्जाम में कभी भी ये आ सकता है और आपको वहां लगेगा कि एरे वर्ड नहीं आता, अदरवाइज इट्स ए टू इजी सेंटेंस। तो आज से ध्यान रखना कि ए आर ई का मतलब होता है बिफोर इन टाइम। अब देखो इस सेंटेंस को बिफोर से रिप्लेस करके देखो वापस, पता चल जाएगा कि ये यही है कि टेक हीड, ध्यान दो, बिफोर इट्स बी टू लेट, ज्यादा देर हो जाए इससे पहले ही तुम समझ जाओ, ऐसा सेंटेंस ही है। ओके सो हम चलते हैं, ये एक्सरसाइज घर पे आप कर सकते हो, इन्हीं की है शायद, पहले मैंने करवा भी रखी है। ओके आगे चलते हैं, ये भी हो रखा है, ये भी हो रखा है, यहाँ से कई बार सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उनको क्लासिफाई किया जाता है उनके मीनिंग से, उनके मीनिंग से, जैसे टाइम से, आई वुड डाई बिफोर आई लाइक। अब ये टाइम के लिए आया बिफोर, बिफोर भले ही प्रीपोजिशन हो, बिफोर भले ही कंजक्शन हो, बट यहाँ पे एज ए टाइम यूज हुआ कि मैं मरने, मुझे झूठ बोलने से अच्छा लगता है मुझे मर जाना, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आई वुड डाई बिफोर आई लाइक, मैं मर जाना पसंद करता हूँ। बिफोर नो नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्न टिल इट इज कॉम्पिटेंट टू गवर्न इटसेल्फ, कि कोई भी नेशन है उसको परफेक्टली गवर्न नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद को गवर्न नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि आदमी खुद को सुधारना, पहले खुद को सेल्फ डिसिप्लिन सीखो, फिर दूसरों पे लीडरशिप दिखाओ। किसी कंट्री के लिए भी यही बात है, किसी इंडिविजुअल के लिए यही बात है। तो वहां पे टिल यूज हुआ टाइम के लिए, और ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि टिल और अनटिल दोनों टाइम के लिए यूज होते हैं, दोनों टाइम के लिए ही यूज होते हैं। और एक वर्ड आता है अनलेस, द स्लाइट डिफरेंस इज बिटवीन देम, मीनिंग सेम है बट ये टाइम के लिए फ्रेज है, टाइम के लिए कंजक्शन है, और ये जनरल स्टेटमेंट, ये जनरल स्टेटमेंट है। और जनरल स्टेटमेंट व्हाट आई मीन टू से कि ट्राई हार्ड अनलेस यू फेल, यू विल फेल, पढ़ लो वरना फेल हो जाओ, जनरल स्टेटमेंट था तो अनलेस यूज किया। अब देखो उसकी जगह टिल और अंटिल, ट्राई हार्ड अंटिल यू फेल नहीं अच्छा लग रहा, क्यों? बिकॉज ये टाइम के लिए आता है, आई विल वेट फॉर यू टिल यू कम, अंटिल यू कम, दोनों ही सही है। अंटिल मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है, ये पुरानी इंग्लिश में यूज होता था। दूसरी ध्यान रखने की बातें, अगर दो 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 चीजें तो ये ध्यान रखनी कि ये टाइम के लिए, दूसरी टिल और अंटिल में फर्क। एंड द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट देर इज द डिफरेंस इन द स्पेलिंग, कि व्हेन यू यूज अंटिल देन ओनली सिंगल एल वुड कम ओनली, ओके कम, नॉट द डबल एल वुड कम। तो कई बार एग्जामिनर आपको वहां डबल एल करके देगा, वो गलत है, इतनी ही एरर रहेगी, क्यों? बिकॉज व्हेन एवर यू सी द ग्रामेटिकल मिस्टेक देन देर इज द वर्ड रिटन दैट आइदर इट कंटेन्स द ग्रामेटिकल मिस्टेक फर्स्ट, सेकेंड इज कंटेक्सुअल एरर, एंड द थर्ड इज स्पेलिंग एरर। यहाँ पे कौन सी एरर है? वो स्पेलिंग एरर है। मेनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई सो यू, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से कई चीजें हुई है, सिंस मतलब कि जब से, तो ये टाइम के लिए, किसके लिए? टाइम के लिए, टाइम के लिए। आई रिटर्न होम आफ्टर ही हैड गॉन, मैं घर आ जाऊंगी तब जब तुम जाओगे, जब तुम जाओगे तब मैं घर, तो उसके बाद में, तो ये बाद यहाँ पे टाइम की जैसे आया, नॉट एज ए प्रीपोजिशन। बाय यहाँ पे ये प्रोनाउन है और यहाँ पे नाउन है, इन दोनों को जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को अलग अलग को जोड़ रहा है कंजक्शन की तरह, तो इसलिए वो एज ए एरे ही ब्लू थ्री नोट्स देर वाज ए रस्टिंग, जब तक उसने तीन नोट नहीं बहाए, एरे बिफोर ही, तो वो ही बिफोर वापस आया है, ध्यान रखना, तो ये कंजक्शन। ओके रीजन के लिए, माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ टेन, तब भी बिकॉज आ सकता है कि बिकॉज माई हार्ट इज प्योर, मेरी मेरी जो ताकत है वो 10 आदमियों की ताकत के बराबर है, उसका एकमात्र रीजन है कि मैं हार्ट से प्योर, मैं हार्ट से शुद्ध हूँ। कहते हैं ना, ए पर्सन हु गेट्स ए गुड स्लीप हु डजंट लाई इन डे, वो उसको रात को नींद अच्छे से आती है,
झूठ नहीं बोलता उसको रात को, तो द सेम थिंग ही इज सेइंग इन अनदर वर्ड्स कि मेरी स्ट्रेंथ तेन जैसी है, जनरल इट कांट हैपन प्रैक्टिकली, बट ही इज सेइंग दैट आई डोंट फियर बिकॉज आई एम ट्रू पर्सन, आई एम ए ट्रू पर्सन. सिंस यू विश इट इट शैल बी डन, ऐसा कि जैसा कि तुम विश करते हो, सिंस यू विश इट, ये रीजन है, रीजन रिजल्ट वाली कैटेगरी, कि जैसा विश करते हो इट शैल बी डन, कर दिया जाएगा. एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, वो नहीं था इसलिए. अब देखो एज वर्ड हटाते ही ये सेंटेंस गलत हो जाए. ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, इसलिए थोड़ी ब्रदर से बात की कि वो नहीं था. एज ही वॉज, वो नहीं था इसलिए बात. रीजन इज दैट हिज ब्रदर वॉज नॉट देयर एंड रिजल्ट इज दैट ही स्पोक टू हिज ब्रदर. ओके, ही मे एंटर, वो एंटर कर सकता है एज ही इज ए फ्रेंड, तो यहाँ पे भी एज एंटर ही इज फ्रेंड, यहाँ तो कोमा और सेमी कोलन होता है जब, तब एज की इतनी जरूरत नहीं पड़ती. पर्पस, वी ईट सो दैट वी मे लिव, अब देखो इस सेंटेंस को गलत कैसे दिया हुआ आ सकता है, वी लिव सो दैट वी मे ईट, वी मे ईट कि हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हम, वी इसलिए रहते हैं क्या, क्योंकि हम खा सकते. वी ईट सो दे सो दैट वी मे लिव, वी लिव हम इसलिए जिंदा रहते हैं ताकि हम खा सकें, या हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें. कंटेक्सुअल एरर आ जाती है, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही है. और यहाँ पे कंजक्शन कौन आया, सो और दैट, सो और दैट माय फ्रेंड्स, सो और दैट इज द कंजक्शन. ओके, सो नेक्स्ट, ही हेल्ड माय हैंड लेस्ट आई शुड, लेस्ट और शुड की जोड़ी है. देखो यहाँ पे पहली एरर क्या करेगा एग्जामिनर, यहाँ सूट की जगह वुड दे देगा, पहली एरर. दूसरी एरर, यहाँ पे केवल कई बार आपको लेस्ट देगा और आपको लगेगा गलत है, लेकिन वो बिल्कुल सही होता है, ओनली लेस्ट. लेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, और अदरवाइज, अदरवाइज. अब देखो इसकी जगह रिप्लेस करके देखो कि आई हेल्ड माई हैंड अदरवाइज आई फॉल, मैं गिर जाता, मैंने मेरा हाथ पकड़ा, तो यहाँ पे अदरवाइज वर्ड लगाने पे भी मीनिंग सही निकल रहा है, मतलब ये केवल लेस्ट यूज कर सकते हैं, ओनली लेस्ट कैन बी यूज्ड. ओके, ओनली लेस्ट वर्ड कैन बी यूज्ड, सो दिस, और अगर लेस्ट और शुड आया दैट इज ऑल्सो गुड. ठीक है, और एक बात ध्यान रखने की यहीं पे ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब लेस्ट और शुड आते हैं, लेस्ट और शुड आते हैं या लेस्ट आता है अकेला, देन देयर वुड बी नो हेल्पिंग वर्ड, नो हेल्पिंग वर्ड. अभी देखो लेस्ट और शुड दिखे तुम्हें इसमें, बिल्कुल दिखे, बट क्या कहीं हेल्पिंग वर्ब दिखी, नहीं दिखी. आई एम लेस्ट शुड पनिश, क्या ऐसा सेंटेंस मिलता है, क्या इसके साथ एम आ सकता है, नहीं आ सकता. तो लेस्ट और शुड जहां पे आएगा वहां पे इज आर एम नहीं आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, समझे. हाँ, हेल्पिंग वर्ब अगर कभी दे दे देन इट्स रॉन्ग, अगर कभी देता है देन इट्स रॉन्ग. रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है, कि रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस में क्या चीज होती है, कि ही वाज सो टायर्ड, वो इतना टायर्ड था that he could scarcely stand, कि वह खड़ा मुश्किल से खड़ा हो सकता, that he could scarcely stand. ठीक है, that he could scarcely stand. अब यहाँ पे date क्या है, result, कि वो इतना थक गया था, ये किसका consequence है, क्यों थक गया था, कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो ये रिजल्ट बन गया है.
और ये रीजन कि वो बहुत थका हुआ, और इसलिए उसका रिजल्ट क्या निकला या कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, परिणाम क्या निकला कि वो खड़ा भी। ओके गेट इट, ठीक है चले आगे। तो ये कॉन्सिक्वेंस वाले हो गए। कंडीशन, रामा विल गो इफ हरी गो, मतलब राम पे डिपेंड करता है हरि का जाना, तो इसको कंडीशन इफ से जोड़ेंगे। ग्रीवेंसेज कैन नॉट बी रिड्रेस्ड, ग्रीवेंसेज होती है शिकायतें, शिकायतों रिड्रेस मतलब होता है निवारण, मतलब शिकायतों का तब तक निवारण का मतलब उनको अकाउंट में नहीं लिया जा सकता, उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता तब तक। अब देखो यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट है, टाइम नहीं अनलेस दे आर नो, तो ये कंडीशन है, कंडीशन के लिए आता है अनलेस, कंडीशन के लिए आता है अनलेस। शिकायतों को तब तक रिड्रेस नहीं किया जा सकता जब तक वो जानी नहीं जाए, तो शिकायतों का पहले क्या है, जानना जरूरी। दूसरा, इस बात पे ग्रीवेंसेज रिड्रेस करते, ये कैसा हो गया, कंडीशनल सेंटेंस। कंसेशन, कंसेशन मतलब कुछ कहना कुछ चाहता हो बट कर कुछ और, वो दैट इज नोन एज कंसेशनल सेंटेंसेज। लाइक मैं बोलू आई विल नॉट सी हिम, मैं उसको नहीं देखूंगा, दो ही कम्स, अब वो आएगा ये भी है बट मैं उसको देखूंगा नहीं, सेंटेंस दो क्या है, कंजक्शन की तरह, हालांकि। कि भले ही वो आए बट देखूंगा नहीं, तो वो आएगा बट उसको देखेगा नहीं, दैट डिफरेंट, वांट टू से सम अनदर थिंग बट ही इज डूइंग सम अनदर। दो ही स्लेमी, वह भले ही मुझे धोखा दे, येट आई विल ट्रस्ट हिम, लेकिन अभी भी मैं उसमें, वो चाहे मुझे बिट्रे करे, वो मुझे धोखा दे, भले ही वो मुझे छोड़े, बट आई विल ट्रस्ट हिम, मैं अभी भी उस पर विश्वास करूंगा। ए बुक इज ए बुक, आल दो, तो आल दो और दो, ये वर्ड कौन से हैं, कंसेशन वाले, हालांकि। हालांकि आल दो कंडीशन वाला भी होता है, कि आल दो आई ट्राइड हार्ड आई फेल, ठीक है, दो ही स्ले मी येट आई विल ट्रस्ट हिम। कंपैरिजन, कंपैरिजन में सिंपली कंजक्शन यूज होता है देन, ये तुमने आपने पढ़ भी रखा है कि रामा इज स्ट्रॉन्गर देन दैट, इतना सिंपल नहीं पूछेगा वो, ठीक है, लेकिन ऐसे ध्यान रखना कि देन इज आल्सो ए कंजक्शन, देन और देन में यही फर्क होता है कि ये देन कंजक्शन है, ये देन एक टाइम फ्रेज है जो टेंस में यूज होती है तब के लिए, तब, ठीक है, द देन किंग, उस समय का किंग। कुछ वर्ड्स होते हैं जो कंजक्शन की तरह भी यूज होते हैं, प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होते हैं, जैसे कंजक्शन की तरह भी यूज होते हैं, वाई प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होते हैं। जैसे स्टेड टिल मंडे, स्टे टिल मंडे, ये मंडे क्या है, नाउन, टिल क्या है, टाइम के लिए, वी से स्टे हियर टिल यू रिटर्न, ये कंजक्शन की तरह, ये प्रीपोजिशन की तरह, जब नाउन को क्वालिफाई कर रही है, यहाँ पे टिल यू रिटर्न एक कंडीशन है, ठीक है, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, या फिर उसको कर रही है किसको, नाउन, तब प्रीपोजिशन। नाउन और प्रोनाउन का रिश्ता अगर किसी और पार्ट ऑफ स्पीच से करवा दे, देन इट्स प्रीपोजिशन, यही कर रही है पहले वाले सेंटेंस में, जबकि दूसरे वाले में वी शैल गो हियर सिंस यू डिजायर इट, इनका इसका कहने का मतलब है सिमिलर वर्ड कैन यूज एज ए कंजक्शन व्हाइल द सिमिलर वर्ड कैन बी यूज एज ए नाउन, सिमिलर वर्ड कैन बी यूज एज ए प्रीपोजिशन, तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे वो एज ए प्रीपोजिशन, कि जब वो किसी नाउन को क्वालिफाई करे या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उनका रिश्ता किसी वर्ब से, एडजेक्टिव से करवाए या किसी और पार्ट ऑफ स्पीच से करवाए, देन इट्स अ प्रीपोजिशन। इन द सेकंड थिंग दैट वेन एवर, ये एक फ्रेज को दूसरी फ्रेज से जोड़े, एक सेंटेंस को दूसरी सेंटेंस से जोड़े, देन दिस इज नोन एज कंजक्शन। ओके अब देखो ये एक्सरसाइज है, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ या 2-3 मिनट देता हूँ,
टेन सेंटेंस है, मुझे ये बताओ इसके अंदर कि यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन टू कि पहले से 10 कि इसमें कौन सा कंजक्शन है, वो कैसा कंजक्शन, कंजक्शन कौन सा वर्ड यूज हुआ है और कैसा कंजक्शन, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, एडवर्जेटिव है, कोपुलेटिव है, जो अभी तक पढ़ा है उसको यूटिलाइज करके एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए 1 to 10 आप कंजक्शन लिख पाओ। ये कंजक्शन टाइप्स इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, बस एक आपको समझ होनी चाहिए कि ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंस को जोड़ता है, ये कंडीशनल है, ये इफ यहीं पे आता है, ऑल दो यहीं पे आता है, बट हाँ ये ध्यान होना चाहिए कंजक्शन कैसे यूज होता है, दो क्लोजेज को जोड़ता है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ता है, दो इक्वल रैंक के सेंटेंस को जोड़ता है, वो किसी को कोई मीनिंग एड नहीं करता, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई नहीं करता, वो जब प्रीपोजिशन की तरह आता है तब वो पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, एटलीस्ट इतना आना चाहिए तुम्हें, अगर इतना आ गया तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ओके सो मैं 2-3 मिनट देता हूँ, आप उसके अंदर क्वेश्चन सोल्व करिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में 1 to 10, सर पहले में ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है, चौथे में ये है, ठीक है। ओके लेट मूव टू द एक्सप्लेनेशन सेक्शन, दैट व्हाट द काइंड ऑफ द थिंग्स दीज आर, ओके विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, सो अनलेस इज द कंडीशन ऑन व्हिच इट वर्क, दैट कंसीक्वेंस कंसीक्वेंस, तो इट्स इन कंजक्शन ऑफ कंसीक्वेंस कि व्हाट यू विल नॉट सक्सीड, सक्सीड नहीं होगे यू वर्क हार्ड, जब तक वर्क हार्ड नहीं, ठीक है, कि यू कैन प्लेस इन 3 काइंड्स, आइदर इन कंडीशन कॉन्सिक्वेंस और रीजन रिजल्ट, कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा नहीं होगा। ओके हाँ सबसे ज्यादा अगर किसी वो अगर सबसे बेस्ट कैटेगरी है तो देट इज कॉन्सिक्वेंस। ओके यू गॉट इट राइट अनलेस ये लिखा तुमने। ओके दूसरा आई वी अराइव यू हैड गॉन, कब आए आफ्टर यू हैड गॉन, हम कब आए आफ्टर यू हैड गॉन, तो ये क्या है कि एक टाइम के बाद में दूसरे टाइम को डिनोट कर रहा है, तो कंजक्शन ऑफ टाइम, कंजक्शन ऑफ टाइम, देखो यू हैड गॉन वी अराइव, ऐसा दोनों सेंटेंस साथ में तो हो नहीं सकते, तो उसको कोई तो कंजक्शन बनाना पड़ा आफ्टर। ओके आफ्टर आई वेटेड टिल द ट्रेन अराइव, टिल यहाँ पे टिल, तो टिल भी किसको बनाता है टाइम को, टिल अंटिल आफ्टर स्टिल, ब्रेड एंड मिल्क यहाँ पे एंड मिल्क, तो ये कैसा है इक्वल क्लोज को जोड़ने वाला, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नीचे यू विल गेट द प्राइज इफ यू, कंडीशनल इफ यू डिजर्व, कंडीशनल कंजक्शन, दो अलग अलग कंडीशन को जोड़ रहा है कि अगर डिजर्व करते हो तो वाह मिलेगा, वेन यू आर कॉल्ड यू मस्ट कम इन इट, तुम जब बुलाए जाओगे तब तुम आना, वेन वेन यहाँ पे कैसा है इंट्रोगेटिव कंजक्शन कि इस कंडीशन पे बुलाया जाएगा, जब जब तुम्हें बुलाया जाए तब तुम आना। ओके सो डू नॉट गो बिफोर आई कम, बिफोर इज द कंजक्शन ऑफ टाइम, और यहाँ पे कंजक्शन टाइम की तरह आया, आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी फोर आई हैव, यहाँ पे फोर इज द रीजन, ठीक है, फोर इज द रीजन आई हैव नो, सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट, ये भी रीजन कैटेगरी, सिंस कई बार टाइम के लिए भी आता है, ही प्लेड लास्ट लेस्ट सूड, अभी करवाया था लेस्ट और सूड, अदरवाइज वाली कैटेगरी, रीजन रिजल्ट वाली कैटेगरी, ऑप्शनल कैटेगरी, ऑप्शनल कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ओके सो दीज वर द सम एक्सरसाइज, नाउ आई थिंक यू कैन डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके वी एंजॉयड द क्लास, दैट वी हैव लर्नड लॉट ऑफ कंजक्शन एंड वी विल नाउ प्रैक्टिस इन द फर्दर क्लासेज, वी विल डू द एक्सरसाइज एंड फाइनली आई विल प्रिपेयर 2 or 3 शीट्स दैट कम्स इन बैंकिंग एग्जाम, दैट हाउ इन पीओ मेन्स एंड प्रीलिम्स दे आर टेस्टेड, generally asked in the mains but sometimes in the prelims also, whenever there is prelims of qualitative prelims like SBI PO or IBPS PO, then they are tested. Okay so
I think you have enjoyed. Okay. Thanks a lot to be presently listening with the class. We will meet very soon. Okay. Thanking you, class.